गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए मैं आपको क्लास 12 अब अगला चैप्टर है अवकलनीयता, जिसमें मास्टरमाइंड से हम पढ़ा रहे हैं। और इसमें ये क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड में पेज नंबर 45 पे है और क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है, ये 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन में आया है। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट 1+y प्लस वाई अंडर रूट 1+x बराबर 0। सिद्ध हमें करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन 1+x का होल स्क्वायर, ये उत्तर आना चाहिए। तो हमें पहला बात है कि ये चीज जो हमें दी गई है वो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। इसमें प्लस वाई अंडर रूट 1+x को पंचांतर किया तो ये माइनस के हो गए, माइनस के हो गए। अब हमने यहाँ अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो वर्ग करने पर वर्ग किया एक्स का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1+y का वर्ग करोगे तो ये लिख दिया हमने, माइनस वाई का वर्ग करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, अंडर रूट 1+x का वर्ग करोगे तो 1+x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर का एक में किया एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का वाई में किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, वाई स्क्वायर का एक में किया तो वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर का एक्स में किया तो वाई स्क्वायर एक्स आ गया। नेक्स्ट देखिए, फिर हमने ये देखा कि दोनों इन सबको इधर लेके आ गए, इधर लेके आ गए तो ये y इधर प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये वाला भी माइनस का हो गया। फिर हमने x स्क्वायर और माइनस के y स्क्वायर एक साथ ले लिए और इन दोनों को एक साथ ले लिया। फिर हमने देखा कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाया तो एक बार क्या होता है एक बार इन्हें जोड़ दो एक बार घटा दो। फिर हमने देखा कि इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है तो हमने देखा एक्स वाई कॉमन मिल रहा है तो क्या बचा एक्स माइनस के वाई बराबर 0। अब हमने देखा कि इस पूरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x माइनस वाई कॉमन दिखाई दे रहा है तो x माइनस के y कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया x प्लस y प्लस एक्स वाई और ब्रैकेट बराबर 0। अब हमने इस चीज को यहां से हटाया तो जब हमने इस चीज को यहां से हटाया तो ये चीज यहां चली गई 0 के नीचे तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया। फिर हमने यहां देखा कि x प्लस y प्लस एक्स वाई बराबर 0, इसमें हमने देखा कि बाई हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो बाई जब कॉमन लिया तो एक्स प्लस एक बचा, एक्स को हमने पंचांतर किया तो माइनस का एक्स हो गया और एक्स प्लस एक यहाँ से हटाया तो नीचे आ गया। अब हमने यहाँ इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ अवकलन कौन सा लगेगा हर इंटू अंश का अवकलन लगेगा तो यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया और हर इंटू हर का स्क्वायर कर दिया, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन तो माइनस एक्स का अवकलन किया तो माइनस एक आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस और एक्स का अवकलन किया एक हो गया और एक का अवकलन क्या होता है जीरो होता है। अब माइनस एक का जामे गुणा कर दे तो माइनस एक का जामे गुणा करेंगे तो माइनस का एक हो गया, माइनस का एक्स हो गया, माइनस एक का एक में गुणा करेंगे माइनस एक हो गया, एक्स से हमारा ये वाला एक्स कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक अपॉन एक्स प्लस एक का होल स्क्वायर, यही उत्तर आना था आपका। ठीक है, थैंक यू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।